से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ओ हो से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम। आज इस नई वीडियो के अंदर हम लेंस के द्वारा जो अपवर्तन की घटना होती है, यानी लेंस मेकर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, कि लेंस के अंदर जब अपवर्तन की घटना होती है तो अपवर्तन जो लेंस से जो अपवर्तन होता है वो दो चरणों के अंदर होता है। तो आज इसकी वीडियो के अंदर लेंस मेकर फॉर्मूले के हम प्रूफ करेंगे। तो आपके पास में हेडिंग आज के लिए लेंस द्वारा अपवर्तन, आपके पास में हेडिंग आज के टॉपिक के अंदर लेंस द्वारा अपवर्तन। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और दूसरा पढ़ा था हमने अवतल अपवर्तक पृष्ठ। तो वो दोनों उत्तल और अवतल की जो कंडीशन मिलाकर हमारे पास में, क्योंकि उसके अंदर भी उत्तल और अवतल के अंदर अपवर्तनीय घटना हो रही थी और ये लेंस है, लेंस के अंदर भी क्या हो रही है, अपवर्तनीय घटना हो रही है। तो वो टॉपिक है, उसका जो फॉर्मूला ज्ञात किया था वो ही फॉर्मूला इसके अंदर यूज लेंगे हम लोग। तो आपके पास में हेडिंग है लेंस द्वारा अपवर्तन, या फिर आपके पास में है लेंस मेकर सूत्र। क्या लेंस मेकर सूत्र, यह लेंस मेकर सूत्र मेन टॉपिक आपके पास में। कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस द्वारा लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन कीजिए, या अवतल लेंस द्वारा लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन कीजिए। तो आपके पास में लेंस मेकर सूत्र क्या कहते हैं, तो लेंस मेकर सूत्र के लिए सबसे पहले देखो हम फर्स्ट याद करते हैं उत्तल लेंस द्वारा। एनसीईआरटी बुक के अंदर उत्तल लेंस ही है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन या फिर उत्तल लेंस का या उत्तल लेंस द्वारा लेंस मेकर सूत्र, उत्तल लेंस द्वारा लेंस मेकर सूत्र, ये आपके पास में हेडिंग है। यानी कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, आपके पास में बताया था आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस के अंदर फर्स्ट आपके पास में उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे, या उत्तल लेंस द्वारा लेंस मेकर सूत्र को हल करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, देखो सीधा डायग्राम बताता हूं मैं। ये उत्तल लेंस ए बी मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया, ए बी, ए और बी एक उत्तल लेंस जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ है, जिसके क्या आपके पास में दो अपवर्तक पृष्ठ, कौन कौन से, ए इसको मैंने मान लिया P1 और ये क्या आ गया B, और दूसरा मैंने A इस बिंदु को मान लिया मैंने P2 और ये क्या आ गया B। यानी कि एक उत्तल लेंस AB जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ, यानी जहां दो बार अपवर्तन घटना हो रही है, इस पृष्ठ से भी हो रही है, इस पृष्ठ से भी हो रही है, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AP1B और दूसरा है AP2B। P1 व P2 क्या है, इस AB उत्तल लेंस के ध्रुव है, P1 और P2 क्या है, इस A B उत्तल लेंस के ध्रुव है, ठीक है। और यहां इसका सेंटर पॉइंट है वो मैंने C मान लिया है, C क्या है, प्रकाशीय केंद्र, C क्या है इसका, प्रकाशीय केंद्र है। एक मुख्य एक्स 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 डैश जो प्रकाशीय केंद्र से होती हुई गुजरती है, ये इसकी मुख्य एक्स होगी एक्स एक्स डैश। इसका यहां पे ये ध्रुव आपके इसमें वक्रता केंद्र मान लिया मैंने C1,
और इस साइड में मैंने वक्रता केंद्र मान लिया C2। तो आपके पास में ये जो P1 ध्रुव होता है ये इस प्रकाशीय केंद्र के अत्यधिक नजदीक होता है, अत्यधिक क्या होता है, पास में होता है। और ये P2 ध्रुव है इस साइड का, ये भी वक्रता इस ध्रुव प्रकाशित ध्रुव क्या होता है एकदम पास में होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है पास में होता है। तो आपके पास में क्या रहेगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या आपके पास में, आपके पास में वक्रता क्या है P1C1 बराबर C1 बराबर R1, यानी ये वक्रता त्रिज्या क्या मान ली मैंने R1, ये वक्रता त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक क्या है R1, ठीक है। और दूसरी वक्रता त्रिज्या क्या है P2C2 बराबर CC2 बराबर क्या है R2, तो ये वक्रता त्रिज्या क्या आपके पास में R2 है, ये डायग्राम, ठीक है। अब जो हमने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का एक टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने यहां पे एक बिंब रखा था, तो ये एक बिंब रखा है O बिंदु के ऊपर, इसके मुख्य अक्ष पर एक्स एक्सिस पे एक O बिंदु पे क्या रखा हुआ है, एक बिंब रखा हुआ है, यहां पे क्या रखा हुआ है बिंब, ठीक है। O से जाने वाली कोई प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है, O से आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के अपवर्तक पृष्ठ AP1B दिखाई दे रहा है इस साइड का, AP1B पे क्या हो रही है आपतित हो रही है, ठीक है, आपतित हुई और यहां पे क्या बन गया इस वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ, ये अभिलंब, ये क्या हो गया आपके पास में अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब क्या हुआ, प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है इस साइड का, क्या है ये विरल माध्यम, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है म्यू वन, ये कांच है, इस कांच का अपवर्तनांक क्या है म्यू टू है, ये सघन माध्यम है, क्या आपके पास में सघन माध्यम, और इस साइड में वापस क्या आ गया विरल माध्यम, तो इसका अपवर्तनांक क्या आ गया वापिस म्यू वन। अब देखो आपके पास में प्रकाश किरण क्या हो रही है विरल से कांच के अंदर गई सघन माध्यम में गई, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये तो इसकी डायरेक्शन है लेकिन ये क्या हुआ अभिलंब की ओर झुक गई, ये इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, ये यहां पे झुकेगी अभिलंब की ओर, गौर से देखो इसको, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये यहां पर बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने क्या किया आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। इस बिंदु को मैंने मान लिया आई डैश, ये क्या मान लिया मैंने आई डैश मान लिया। अब ये एक अपवर्तित किरण तो हो गई आई डैश पे जा रही है, एक अन्य प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होती हुई अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधी अभी की ओर निकल गई, एक ये अपवर्तित किरण एक ये अपवर्तित किरण दोनों आई डैश बिंदु पे काटती है, इस प्रकार बिंब O का प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होता है आई डैश बिंदु पे प्राप्त होता है, किसके प्राप्त हो रहा है आई डैश पे, यहां पे क्या प्राप्त हो गया ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ठीक है, ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो प्रतिबिंब ये जब प्राप्त हो गया तो ये आपके पास में मेन डायग्राम, ठीक है। अब इसके अलावा हम वापिस करेंगे क्योंकि एक बार तो अपवर्तन हो गया कि प्रकाश किरण यहां पर गिरी ये हो गया, ठीक है, लेकिन आपके पास में ये लेंस है, ये क्या आपके पास में लेंस है, तो ये प्रकाश किरण देखो सघन माध्यम से आ रही है, इसको तो मैंने आगे बढ़ाया है लेकिन क्या हो रहा है ये प्रकाश किरण आपके पास सघन माध्यम से किस में आ रही है विरल माध्यम में, जब सघन से विरल में आएगी तो क्या होगी अभिलंब से दूर हटेगी, तो यहां पे इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपके पास में अभिलंब, क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरेगा अभिलंब, तो यह अभिलंब बन गया। अब की बार क्या होगी ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी तो इसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा, ये प्रतिबिंब क्या बन गया इस जगह बन गया, ये डायग्राम आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में आई डैश है जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये आई होता है, ये क्या होता है आपके पास में आभासी प्रतिबिंब है। इसको मैं तोड़ के बताऊंगा आपको कि किस तरीके से डायग्राम बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जो अपवर्तन है वो दो चरणों में होता है,
उत्तल लेंस द्वारा हो या अवतल लेंस द्वारा हो, कोई सी अभी आप लेंस मेकर सूत्र के अंदर आप अपवर्तन करते हैं तो वो दो चरणों में होता है। ये दोनों चरण बताऊंगा तो मैंने पहले इसके अंदर देखो आपके पास में मेन चीज है वो समझ में आना चाहिए कि ए बी एक उत्तल लेंस है जिसका पी वन और पी टू क्या है आपके पास में दो ध्रुव है ए पी वन बी और ए पी टू बी, ये दो आपके पास में क्या है अपवर्तक पृष्ठ है। सी इसका प्रकाशीय केंद्र है, सी वन और सी टू क्या इसके वक्रता केंद्र है, क्या आपके पास में वक्रता केंद्र है। पी वन सी वन किसके बराबर है लगभग सी सी वन के बराबर और ये इसकी क्या वक्रता त्रिज्या आर वन है। इसी प्रकार पी टू सी टू लगभग किसके बराबर है सी सी टू के बराबर और ये इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है आर टू है। यहां तक डायग्राम समझ में आ गया। अब आपके पास में देखो कि ये लेंस मेकर सूत्र है वो दो चरणों में होता है यानी इसका अपवर्तन होता है वो दो चरणों में होता है। देखो आपके पास में सबसे पहले इस लेंस मेकर सूत्र है ये दो चरणों में होता है तो हम पहले फर्स्ट चरण को हल करते हैं कि उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस या फिर लेंस का जो अपवर्तन सूत्र है वो दो चरणों में हल करते हैं तो पहले हम फर्स्ट लेंस के बारे में पढ़ते हैं। चरण फर्स्ट के अंदर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो चरण फर्स्ट का डायग्राम बनाएंगे। आपके पास में मैंने लिया एक ए पी वन बी प्रश्न लिया, एक साइड का प्रश्न ले लिया मैंने ए, ये पी वन हो गया क्योंकि ये इसकी मुख्य एक्स है, ये इसकी मुख्य एक्स हो गई एक्स और एक्स डैस मुख्य एक्स, ये पी वन बिंदु और ये क्या आपके पास में बी बिंदु, ठीक है। अब ए पी वन बी हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी वन और यहां पे एक बिंब रखा हुआ है, ओ बिंदु के ऊपर क्या रखा हुआ है एक बिंब रखा हुआ है तो ये दूरी मैंने मान ली कि प्रकाशिक केंद्र व बिंब के बीच की दूरी क्या है बिंब दूरी यू है, ये क्या आपके पास में बिंब दूरी यू। अब ओ से आने वाली कोई प्रकाश किरण, ये वो से आने वाली कोई प्रकाश किरण है ए पी वन बी एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है इसके बिंदु प्राप्तित होती है और यहां से क्या बन जाएगा एक ये सी टू से गुजरेगा वक्रता केंद्र से तो ये क्या आपके पास में अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। प्रकाश किरण क्या होगी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से किसमें आ रही है लेंस के अंदर आ रही है, लेंस इस तरीके से होता है ये लेंस, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये प्रश्न लिया इधर वाला प्रश्न लिया है तो प्रकाश किरण क्या होगी विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब से क्या होगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो ये इसकी डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी इसकी लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई इस तरीके से झुक गई, ठीक है। अब इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, इसको मैंने क्या किया पीछे की ओर बढ़ाया यहां पे इस तरीके से बढ़ाया ये इस तरीके से ये बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ये अपवर्तित किरण होगी तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में आई वन क्या बनाएगी आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ में क्या बनाएगी आर वन अपवर्तन कोण बनाएगी, ठीक है। ये अपवर्तित किरण निकल गई, अब एक किरण तो निकल गई दूसरी किरण भी निकालेंगे तो बिंब बिंदु ओ से, ये बिंब बिंदु ओ है ओ से एक अन्य प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के उत्तर सॉरी उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर या प्रकाशीय केंद्र प्राप्त होती है तो बिना विचलित हुए सीधे आगे की ओर निकल गई। अब ये दूसरी प्रकाश किरण निकल गई दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काटती है यानी आई बिंदु पर आई डैश बिंदु पर काटती है, किस पर काटती है आई डैश बिंदु पर काटती है तो इस प्रकार बिंब ओ का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश के प्राप्त होता है, कहां पे प्राप्त होता है आई डैश के प्राप्त हो गया तो ये आपके पास में प्रतिबिंब प्राप्त हो गया यहां पे तो ये ओ बिंब है यहां पे ये बिंब बिंब व ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी बिंब दूरी u, ये आपके पास में प्रतिबिंब है तो ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी क्या होगी इसको मैंने V डैश मान लिया, क्या मान लिया मैंने V डैश मान लिया प्रतिबिंब दूरी क्या मान लिया मैंने V डैश मान लिया, ठीक है। ये चीज आ गई तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था फॉर्मूला कैसा कि ये आपके पास में इस साइड में देखो विरल माध्यम है क्या पढ़ा है
विरल मात्र, इसका अपवर्तनांक म्यू वन है। दूसरा आपके पास में ये यहां पे इसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू टू लेंस है, लेंस का सघन माध्यम है ये, यहां पे इसका अपवर्तनांक क्या गया म्यू टू, और वापिस क्या गया विरल माध्यम का अपवर्तनांक इधर की साइड में म्यू वन आ गया। ठीक है, ये चीज है। तो अब इसके अंदर देखें हम लोग, इसके अंदर एक चीज देखते हैं कि हम चीज पढ़ गए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से, गोलीय अपवर्तन पढ़ गए थे उत्तल लेंस का, सॉरी उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और अवतल अपवर्तक पृष्ठ। तो यहां पे उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से, क्योंकि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की तरह ही है। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं कि एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जिसका उत्तर भाग, उत्तर भाग कहां पे हो, विरल माध्यम की हो है, और शेष भाग क्या हो, सघन माध्यम में, शेष भाग सघन माध्यम में इसका। तो ये क्या हो गया, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से क्या पढ़ गया, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के अंदर हम लोग कि म्यू टू बटे में वी डैश, फॉर्मूला था हमारे पास उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का, म्यू टू बटे में वी माइनस म्यू वन बटे में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला पढ़ गए। लेकिन यहां पे इस चित्र के द्वारा, चरण फर्स्ट के द्वारा, चरण फर्स्ट के अनुसार फॉर्मूला रखेंगे, म्यू टू है तो म्यू टू रख दिया मैंने, म्यू टू बटे में वी प्रतिबिंब दूरी है, तो यहां पे प्रतिबिंब दूरी क्या है, वी डैश, वी डैश माइनस म्यू वन, म्यू वन है तो म्यू वन रख दिया, बटे में यू क्या है, बिंब दूरी, तो यू रख दिया, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, क्योंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो क्या गया म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर की जगह क्या है, पहली घटना किसमें हो रही है, आर वन में हो रही है, तो ये क्या जाएगा आर वन, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। यानी इसी फॉर्मूले के आधार पर रखेंगे म्यू टू अपॉन वी, तो ये म्यू टू अपॉन में क्या आ गया, वी डैश आ गया, माइनस म्यू वन, तो म्यू वन है विरल माध्यम के अंदर, तो म्यू वन बटे में बिंब दूरी, बिंब दूरी सेम की सेम है, यू है तो यू रख दिया, इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर। वहां पे तो क्या था आपके पास में, एक वक्रता त्रिज्या थी, लेकिन यहां पे वक्रता त्रिज्या दो है, आर वन व आर टू, तो इस साइड के लिए इस प्रश्न में क्या जाएगी वक्रता त्रिज्या R1, तो ये R1 आ गई, तो μ2 माइनस μ1 बटे में क्या आ गया R1, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसी प्रकार हम ये आगे वाला प्रश्न लेते हैं, यानी कि ये प्रश्न लेंगे सेकंड। अब सेकंड लेंगे तो देखो ये प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण सिर्फ यहां तक आ रही थी, इस जगह तक आ रही थी, लेकिन मैंने क्या किया कि ये प्रतिबिंब यहां पर नए बढ़कर इसको मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये इस तरीके से आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये और ये दोनों इधर से काटेगी तो प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा वास्तविक, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये आपके पास में अपवर्तित किरण यहां पे आ रही थी। लेकिन अब इस पृष्ठ के लिए देखो ए पी टू बी, पी टू ये पृष्ठ है, ए पी टू बी के लिए ये जो बिंब प्रतिबिंब है, वास्तविक जो प्रतिबिंब है, इसके लिए देखो किसका काम कर रहा है, इसके लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा, क्यों करेगा, देखो ये प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण ये यहीं तक तो आ रही है, इसको तो मैंने आगे बढ़ाया है, वास्तविकता तो ये है कि यहीं तक आ रही है, ठीक है। अब देखो ये इस पृष्ठ पे टकराएगी, तो इस पृष्ठ पे टकराएगी तो यहां पे भी एक बार अपवर्तन होगा या नहीं होगा इस बिंदु पे, तो एक बार जब यहां पे अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरण आई डैश जो प्रतिबिंब है ये इस पृष्ठ के लिए ए पी टू बी पृष्ठ के लिए बिंब का काम करेगा। तो इसका डायग्राम देखो, ये इसका द्वितीय चरण होगा, ये ए पी पी वन बी वाला आपके पास में पहला चरण है, तो ये पहले चरण का तो फॉर्मूला आ गया म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर वन। कब, जब प्रकाश किरण म्यू वन अपवर्तनांक से म्यू टू अपवर्तनांक के अंदर प्रवेश करती है तब ये फॉर्मूला होगा, लेकिन सेकेंड कंडीशन के अंदर म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, किसमें जा रही है, म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, तो जहां पे म्यू टू है
वहां पे तो म्यू वन हो जाएगा, और जहां पे म्यू वन है वहां पे क्या हो जाएगा सेकंड चरण के अंदर म्यू टू हो जाएगा। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। आपके पास में फर्स्ट चरण के अंदर फॉर्मूला आ गया बेटा, चरण फर्स्ट के अंदर फॉर्मूला आता है म्यू टू बटे में वी डैस माइनस म्यू वन बटे में यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर ओवर। यह आपके पास में क्या हो गया चरण फर्स्ट के अंदर फॉर्मूला आ गया। अब हम पढ़ेंगे चरण सेकंड में कि चरण सेकंड के अंदर क्या होता है। तो चरण सेकंड के अंदर हम लेंगे ए पी टू बी, ए पी टू और ये क्या आ गया बी, ये इसकी क्या आ गई मुख्य एक्स आ गई एक्स और एक्स डैश के आपके पास में मुख्य एक्स, ये क्या इसकी मुख्य एक्स है एक्स एक्स डैश, ये आपके पास में पी टू है। अब पहले वाले के अंदर क्या था आपके पास में कि यहां पे क्या बना था एक प्रतिबिंब बना था आई डैश के रूप में, यहां पे क्या बना था एक प्रतिबिंब बना था आई डैश के रूप में। ये प्रकाश किरण कहां से आती है इस तरीके से आ रही थी, ये सघन माध्यम से आ रही थी यही तो थी, लेकिन यह प्रतिबिंब यहां पे क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता क्योंकि एक प्रकाश किरण इस बिंदु ओ से जाएगी तो एक तो सीधी आगे क्यों निकलेगी और एक ही प्रकाश किरण दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण काटेगी नहीं एक दूसरे को, तो काटेगी नहीं तो इस प्रकाश किरण को मैंने क्या कर दिया आगे की ओर बढ़ा दिया। तो दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें यहां पे काटती है दूसरे को तो यहां पे बिंब ओ का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है आई डैश, ठीक है। लेकिन ए पी टू बी इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये जो अक्ष आपके पास में सिर्फ इतनी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है म्यू टू और ये विरल माध्यम है तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है म्यू वन है। अब प्रकाश किरण ये जो आपके पास में प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब इस ए पी टू बी के लिए किसका काम करेगा बिंब का काम करेगा, तो बिंब का काम करेगा तो यहां से देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास में एक वक्रता केंद्र बन जाएगा, सॉरी ये क्या बन जाएगा आपके इसमें अभिलंब बन जाएगा वक्रता केंद्र सी वन से, यह कोई प्रकाश किरण यानी कि एक सीधा अभिलंब खींच देंगे तो ये आपके पास में क्या बन गया अभिलंब, तो ये अभिलंब है ये आपतित किरण है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में आपतन कोण आई टू द्वितीय चरण के लिए। अब प्रकाश किरण देखो सघन माध्यम से किसमें जा रही है विरल माध्यम में जा रही है, ये है सघन माध्यम लेंस है तो ये सघन माध्यम है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सघन से विरल में जाएगी तो इसकी डायरेक्शन तो ये है लेकिन क्या हो जाएगी अभिलंब से दूर हट जाएगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है। तो आई डैश है आई डैश इस ए पी टू बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए बिंब का काम कर रहा है और इसकी मैंने पहले वाले चरण के लिए दूरी क्या मानी थी वी डैश मानी थी, क्या दूरी मानी थी मैंने वी डैश दूरी मानी थी क्योंकि प्रतिबिंब था पहले वाले चरण के लिए, तो लेकिन सेकंड चरण के लिए ये किसका काम करेगा बिंब का काम करेगा। तो एक प्रकाश किरण तो ये आ गई अपवर्तित हो गई यहां पे, एक अन्य प्रकाश किरण इस प्रकाशी के अंदर से गुजरती हुई सीधी निकल जाएगी, दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण इस बिंदु पे कटेगी तो इस बिंदु पे कटेगी तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास में आभासी प्रतिबिंब आई डैश जो प्रतिबिंब था उसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। तो ये आपके पास में इस चरण के लिए क्या थी बिंब दूरी थी, तो ये क्या हो जाएगी इस चरण के लिए सेकंड चरण के लिए क्या हो जाएगी ये प्रतिबिंब दूरी, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगी प्रतिबिंब दूरी और इस प्रतिबिंब दूरी को क्या मान लिया मैंने v मान लिया, यानी p2 i डैश v डैश और p2 i इक्वल क्या मान लिया मैंने v मान लिया। तो सेकंड चरण पहले वाला चरण था वो म्यू वन से किसमें हो रहा था म्यू टू में और दूसरा जो चरण है वो क्या हो रहा है म्यू टू से म्यू वन में, तो इसी डायरेक्शन के अनुसार म्यू टू की जगह तो म्यू वन रख देंगे और म्यू वन की जगह क्या रख देंगे म्यू टू रख देंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो सेकंड चरण के अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में म्यू वन म्यू टू की जगह क्या म्यू वन बटे में ये क्या था प्रतिबिंब दूरी थी पहले वाले चरण के लिए, तो अब प्रतिबिंब दूरी की आपके पास में वी है तो वी आई माइनस म्यू वन की जगह म्यू टू और बटे में यू क्या थी बिंब दूरी पहले चरण के लिए लेकिन द्वितीय चरण के लिए बिंब दूरी क्या आपके पास में वी डैश बराबर
म्यू टू क्या देगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, और यहां पे क्या था आर वन था, यहां पे क्या देगा आर टू, ये दिखा देगी। अब देखो म्यू वन बटे में वी माइनस म्यू टू बटे में वी डैश बराबर, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा आपके पास में, आपके पास में जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन और बटे में क्या जाएगा आर टू, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या जाएगा प्लस और प्लस वाला क्या जाएगा माइनस, तो म्यू टू किसका हो गया प्लस का और म्यू वन किसका हो गया माइनस का, ये क्या गया आर टू आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन क्या आ गया आपके पास में सेकेंड आ गया। ठीक है, याद आएगी यहां पर। अब समीकरण एक और दो को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, समीकरण एक प्लस दो, समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, म्यू टू बटे में वी डैश माइनस म्यू वन बटे में यू प्लस, जोड़ेंगे तो प्लस आ गया, ये क्या आ गया म्यू वन बटे में वी माइनस म्यू टू बटे में वी डैश बराबर, इसकी क्या आपके पास में म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर वन माइनस, क्योंकि देखो जोड़ रहे हैं तो बीच में माइनस है तो माइनस आएगा माइनस, ये क्या जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन और बटे में क्या गया आर, इजी आ जाएगी तो कैंसिल करो, उसको कैंसिल कर दो, म्यू टू बटे वी डैश प्लस का म्यू टू बटे वी डैश माइनस का, तो ये कैंसिल होगा, क्या बच गया म्यू वन बटे में वी माइनस म्यू वन बटे में यू, और यहां पे बच गया म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर वन और माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बटे में आर टू, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, तो हल करेंगे हम लोग, हल करेंगे तो क्या जाएगा म्यू वन बटे में वी माइनस म्यू वन बटे में यू बराबर, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ रहा है तो म्यू टू माइनस म्यू वन मैंने क्या लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर, ये हो गया। अब देखो यहां से म्यू वन मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक बटे बी माइनस एक बटे यू बराबर, यहां से भी मैंने म्यू वन कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या ले लिया म्यू वन मैंने कॉमन ले लिया, तो म्यू वन यहां पे मैंने कॉमन लिया तो यहां से म्यू वन कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा म्यू टू बटे में म्यू वन और माइनस का क्या गया एक, याद आएगा, और अंदर क्या बच गया आपके पास में एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर, ये म्यू वन से म्यू वन क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक बटे वी माइनस एक बटे यू इक्वल म्यू टू बटे म्यू वन, क्या लिख सकते हैं हम लोग म्यू टू वन लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिखा है म्यू टू बटे म्यू वन, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अंदर हमने क्या लिखा था साइन ए बटे साइन आर इक्वल टू म्यू टू बटे म्यू वन बराबर म्यू टू वन, या म्यू टू बटे म्यू वन क्या लिख सकते हैं म्यू टू वन और माइनस में क्या गया वन, यह आ गया, और ये क्या देगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर, यह आ जाएगा। अब इतनी चीज समझ में आ गई, तो आपके पास में एक फॉर्मूला तो ये है उत्तल लेंस का, लेंस निकल सूत्र का फॉर्मूला ये है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल क्या गया म्यू टू वन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये चीज आ गई। यदि कंडीशन दी हो आपके पास में, कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास में यदि यदि आपके पास में v इज इक्वल टू f, v इज इक्वल टू क्या हो f हो, यानी कि आपके पास में प्रतिबिंब जो दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर हो, तो प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी के बराबर है तो आपके पास में बिंब कहां पे रखा होगा, डायग्राम के अनुसार चिन्ह बनाते हम जो डायग्राम प्रतिबिंब बनाते हैं, तो यदि कोई वस्तु आपके पास में आप अनंत पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है, कहां पे बनता है फोकस पे बनता है, तो आपके पास में b इक्वल टू f हो, b इक्वल टू क्या हो आपके पास में f हो, तो u इक्वल टू क्या जाएगा u इक्वल टू आएगा इंफिनिटी बराबर
1 बाई जीरो, इन्फिनिटी किसके बराबर होता है 1 बाई जीरो के। तो यहां भी इस फॉर्मूले में रखेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले के रखते हैं तो 1 अपॉन v किसके बराबर है f के बराबर, तो 1 f इसको ले दिया मैंने माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल क्या आ जाएगा म्यू टू 1 माइनस 1 और क्या आ जाएगा 1 अपॉन r 1 माइनस 1 अपॉन r। तो ये तो आगे से कैंसिल हो गया, यहां से हट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 अपॉन f बराबर म्यू टू 1 माइनस 1 1 अपॉन r 1 माइनस 1 अपॉन r। ये फॉर्मूला है, ये कहलाता है आपके पास में लेंस मेकर सूत्र, ये कहलाता है मेकर फॉर्मूला, ये आपके पास में लेंस अप यानी लेंसों का अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर सूत्र का, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल म्यू 2 बटे में म्यू 1 माइनस 1, म्यू 2 1 को क्या लिख सकते हैं म्यू 2 बटे म्यू 1 माइनस 1 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर 2। तो ये आपके पास में क्या है लेंस मेकर सूत्र है। तो ये हमने क्या पढ़ा था अभी कि उत्तल लेंस का लेंस मेकर सूत्र पढ़ा। आज की वीडियो के अंदर इस लेंस मेकर सूत्र के बारे में हमने हल किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंस सूत्र के बारे में, दर्पण सूत्र हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र के फॉर्मूले हम करेंगे 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, और दर्पण सूत्र था व्यास में 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यानी कि इसके बाद जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके इसमें लेंस दर्पण सूत्र के बारे में हल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे।